हिंदी सिनेमा के बेताज बादशाह कहे जाने वाले किंग खान एक बार फिर सुर्खियों में है, मगर इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या एड नहीं बल्कि उनका अलीबाग स्थित लग्जरी विला है। उन पर इल्जाम है कि मुंबई के अलीबाग स्थित उनका बंगला गैर कानूनी है। कहा जा रहा है कि ये जमीन जिसे कि शाहरुख खान ने कृषि भूमि के नाम पर खरीदा था, वहाँ आज उनका आलीशान बंगला खड़ा है। इस बंगले में एक स्विमिंग पूल और एक प्राइवेट हेलीपैड भी है। इल्जाम ये भी आ रहे हैं कि वहाँ एक देजा वू फार्म्स नाम की कंपनी चल रही है जिसके शेयर होल्डर्स श्रीनिवास पार्थ सारथी और सोमेशेखर सुंदर श्याम हैं। मगर इस कंपनी का सीधा ताल्लुक गौरी खान के रिश्तेदारों से है। इस बंगले पर ही कुछ दिनों पहले शाहरुख खान ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई है। इनकम टैक्स से शाहरुख खान का ये विवाद जारी है और इस केस को बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत डाला गया है। इससे पहले भी शाहरुख खान विवादों का केंद्र रह चुके हैं। कुछ वक्त पहले उनका दुबई स्थित सिग्नेचर विला भी शक के घेरे में था। 2008-09 में शाहरुख को ये बंगला गिफ्ट में मिला था और इसी कारण उनके सिग्नेचर विला को आईटी विभाग से क्लीन चिट मिल गई थी। मगर अब लगता है कि शाहरुख और विवादों का रिश्ता बड़ा पुराना है, इसलिए खान हर बार किसी न किसी विवाद में फंस जाते हैं। तो अब देखना ये है कि पिछली बार की तरह इस बार भी शाहरुख को क्लीन चिट मिलेगी या उन पर लगे इल्जाम सच साबित होते हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।